श्री रंगनाथ जी का यह मंदिर द्रविड़ भारतीय शिल्प शैली में बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना श्री गोविंद दास और राधा कृष्ण ने की थी। इस मंदिर का काम 1845 से 1851 तक चला, जिसमें लगभग 45 लाख का खर्चा आया था। यहाँ के पुजारी दक्षिण भारतीय हैं और यहाँ की मूर्तियाँ भी दक्षिण भारतीय शैली में बनी हैं। इस मंदिर में शीश महल भी है, लेकिन शायद वो अभी बंद है। मंदिर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर को वैकुंठ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। निधवन से यह मंदिर सिर्फ 0.5 किलोमीटर दूर है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में सोने का खंभा भी है, जो मैं अभी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। वृंदावन में यह अकेला एक ऐसा मंदिर है जिसमें सोने का खंभा है। अगर आप साउथ जाएंगे तो आपको जगह जगह ऐसे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वृंदावन के लिए ये एकदम डिफरेंट है। यह जो मंदिर है, यह पूरा पिलर पर बना हुआ है। पत्थर के पिलर हैं और पत्थर की ही छत है। बहुत ही खूबसूरती से इन पिलर्स पर नक्काशी की गई है और इन पिलर्स पे जो मूर्ति बनी है वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में ही बनी है। श्री रंगनाथ जी की इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।